मेरा नाम अर्चना निषाद है, मैं देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं अभी 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही हूँ। जब मैं काफ़ी छोटी थी तो मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मम्मी ने घर को संभाला, काम किया और हमें पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब कोरोना आया तो उस टाइम पे काफ़ी लॉस हुआ मम्मी का, तो इतना घर चल नहीं पा रहा था, तो उस टाइम मैंने भी सोचा कि मैं भी पढ़ाई छोड़ के कुछ काम करूं। लेकिन फिर मेरे स्कूल के टीचर्स ने और DE स्कूल फैसिलिटेटर ने मेरी मदद की, जिससे मेरे को मोटिवेट किया और मैं पढ़ाई में और अच्छा कर सकूँ, तो उन लोगों ने मेरी मदद की। कोविड के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं, फैमिलीज़ में भी आईं, बच्चों में भी आईं, तो इसके कारण बहुत सारा ड्रॉप आउट स्कूल से बच्चों का हुआ। उन्हीं में से एक जो अर्चना भी थी, अर्चना भी ड्रॉप आउट होना चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने उसको मोटिवेट किया और आज जो है स्टेम फॉर गर्ल्स की बदौलत वो आज विश्व पटल पर अपना नाम छाप रही है। जब AIF आया था डिजिटल इक्वलाइजर लेकर के, तो उस समय हमें इतना अच्छा टीचर्स को ट्रेनिंग मिली और बार बार हमें AIF के ऑफिस में भी बुलाया गया, कि जिसकी बदौलत हमने एक लैब इस्टेब्लिश की, स्मार्ट लैब, और उस स्मार्ट लैब में जाने के लिए बच्चे इतने खुश होते थे कि मैं बता नहीं सकती, कि बच्चों में एक अलग उत्साह पैदा हुआ और हम में भी हुआ। तो टेक्नोलॉजी को लाने का श्रेय विद्यालय में AIF को है और हमें सिखाने का श्रेय भी AIF को जाता है। मुझे AIF के डिजिटल इक्वलाइजर की ओर से बहुत प्रेरणा मिली है, जिसके द्वारा मैंने कंप्यूटर के बारे में सीखा और साइंस में मेरी रुचि बढ़ी है, और मैंने इससे पीको सैटेलाइट को बनाना सीखा और उसके बारे में जाना कि उसे कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ क्या होता है। डिजिटल इक्वलाइजर से क्या हुआ कि बच्चे प्रमोट हुए, उनको एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला कि कैसे रैशनल अप्रोच के द्वारा, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा, कैसे हम अपने आप को अपडेट रख सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ड्रोन लॉन्चिंग इवेंट में 4 लड़कियों का सिलेक्शन ऑल ओवर उत्तराखंड से हुआ, जिसमें अर्चना फर्स्ट आई, और अर्चना का सिलेक्शन फिर रॉकेट लॉन्चिंग के लिए हुआ, उसके लिए उत्तराखंड के लिए भी गर्व की बात है और मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। अर्चना इतना आगे बढ़ रही है तो उसको देख के हमें बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं AIF और अर्चना की टीचर की बहुत आभारी हूँ। मैंने साइंस के बारे में इतना जाना है, तो अब मेरी इच्छा है कि मैं बड़े होकर सिविल इंजीनियर बनूं और अपनी मम्मी और दीदी की हेल्प कर सकूं, उन्हें सपोर्ट कर सकूं जैसे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है।